इसको मैं इस कॉनिकल फ्लास्क में डालता हूँ और इसमें मैंने पहले से स्याही डाली हुई है, स्याही। कठिन एक्सपेरिमेंट है, करने में क्या दिक्कत है। इसको पहले ऐसे उलटिए, इसी के ऊपर रखिए, अभी उसके ठीक मुंह पर नहीं बैठा है। अब इसको खींचा जाए। हाँ हाँ, लगभग बैठ गया है, उधर उधर से खींचिए। सम्मोहन धाराएं देखिए चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, इसका अध्ययन करिए। जा रही हैं सम्मोहन धाराएं, दिख रही हैं बेटा? यस सर। नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं? यस सर। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। सम्मोहन पहले ऊपर का पानी आपका कलरफुल हो रहा है, नीचे का पानी रंगीन नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना? इसलिए कि जो पानी के अणु गर्म होकर के सीधे ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जब पानी गर्म हो जाएगा तब वो धीरे 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 नीचे वाला पानी भी गर्म होगा, माने कि रंगीन होगा। बात समझ में आ रही है? जो आपने बाहर गतिविधि करी थी उसका ये प्रायोगिक निरूपण है, किस तरीके से नीचे जो गर्म पानी था, माने वो गर्म पानी ऊपर में ठंडा पानी होने की वजह से नीचे से ठंडे पानी का प्रवाह ऊपर की ओर हो रहा है, पानी ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे का गर्म पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। और ऊपर का ठंडा पानी कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। पानी बह रहा है ना? ये सिर्फ रंग नहीं बह रहा है बल्कि पानी बह रहा है। नीचे का पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर। और ऊपर का पानी कहाँ आ रहा है? नीचे। आपने देखा कि किस तरीके से ये ऊपर का पानी जो साफ था, ठंडा था, अभी रंगीन हो गया है, और इसका ताप भी ऊपर और नीचे दोनों बीकर का ताप एक समान हो जाएगा। थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों क्लास का ताप एक समान हो जाएगा। अब रंग लगभग दोनों पानी का एक जैसा हो गया है, हो गया है, देखा आपने? तो इस तरीके से द्रवों में किस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, ये आपने समझा? क्या समझा? ऊष्मा का संचरण। किस चीज में? संवहन। सम्मोहन विधि द्वारा किस किस में ऊष्मा का संचरण होता है? द्रव। जोर से बोलिए। द्रव में। और भी किस में होता है? गैस में। गैसों में भी हम लोग देखेंगे, अभी दो गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है? इसको आपने समझा, आपने देखा कि दोनों बीकर का जल एक जैसा हो गया है, इसका तापमान भी आप छू के देख सकते हैं बढ़ गया है, ऊपर वाला पानी जो ठंडा था वो अब गर्म हो चुका है, क्योंकि नीचे वाला गर्म पानी ऊपर आया और कुछ नीचे वाला पानी, ऊपर वाला जो ठंडा पानी था वो नीचे की ओर गया, ठीक है ना? बात समझ में आई बेटा? थैंक यू।